Welcome back at Mastercam CNC milling operations tutorial. Mastercam के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैम्फर मिलिंग के बारे में डिटेल के अंदर, जिसमें हम चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सभी पैरामीटर्स, टूल सिलेक्शन, फीड, किस तरीके से हम ये सभी सिलेक्शन करते हैं, और साथ ही इसका प्रोग्राम जनरेट करके भी आपको दिखाने वाले हैं कि चैम्फर मिलिंग का ऑपरेशन का प्रोग्राम कैसे रहेगा, और साथ ही साथ हम इसमें 3D सिमुलेशन भी आपको दिखाएंगे कि चैम्फर कट होने के बाद कैसा दिखता है। तो चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्कपीस ले लिया है। यहाँ पर हम इस एज पर हम इसमें चैम्फर लगाने वाले हैं। तो चैम्फर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है, आ जाना है टूल पाथ में, 2D कंटूर में। जैसे ही हम 2D कंटूर में आते हैं तो सबसे पहले हमें चेन सेलेक्शन कर लेनी है। तो अब हमें इस चेन के लिए कंटूर ऑपरेशन, सॉरी चैम्फर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ये चेन सिलेक्शन कर ली है, देन ओके। जैसे ही हमने चेन सिलेक्शन की है, अब नेक्स्ट वन प्रोसेस है हमारा टूल सिलेक्शन। टूल सिलेक्शन करने के लिए हमें टूल पर क्लिक करना है एंड यहाँ से फिल्टर में चले जाना है। फिल्टर में आकर के अब हमें इसके लिए चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन है, तो चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन के लिए हमें चैम्फर का ही टूल सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चैम्फर का टूल सिलेक्शन कर लिया है। चैम्फर मिलिंग का टूल सिलेक्शन करने के बाद अब हमें नेक्स्ट वार्म करना है ओके पर। तो हमने यहाँ पर जैसे ही फिर सेलेक्ट टूल लाइब्रेरी फिल्टर में क्लिक करते हैं, तो हमारे 3 अलग अलग टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें 10 डायमीटर, 16 डायमीटर एंड 12 mm डायमीटर का। तो हम इसके लिए चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन के लिए 12 mm डायमीटर का टूल ले लेते हैं एंड ओके। तो इसके लिए हमने एक टूल सिलेक्शन कर लिया है। टूल सिलेक्शन करने के बाद हमें इस पर फीड देनी है। चैम्फर मिलिंग के लिए लगभग 500 से 700 के लगभग फीड रेट रखते हैं और स्पिंडल स्पीड लगभग 1000। साथ ही इसका जो प्लंज फीड रेट है वो भी कम कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं जो भी हमारा ऑपरेशन है, चैम्फर मिलिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर, अब हम बात करते हैं इसके कटिंग पैरामीटर में। अब कटिंग पैरामीटर में हमें क्या क्या चेंजेस करना है। चैम्फर मिलिंग जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो कटिंग पैरामीटर में सबसे पहले कंटूर टाइप में यहाँ पर क्लिक करके 2D चैम्फर क्लिक कर लेना है, जिसका अर्थ है कि हमारा 2D चैम्फर पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सभी चैम्फर्स के रिगार्डिंग वैल्यू सिलेक्शन आ जाती है। कंटूर टाइप में 2D चैम्फर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें चैम्फर की विड्थ देनी है, अर्थात कि यहाँ से जो यदि हमें यहाँ पर चैम्फर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ कितनी है, तो वो हमने लिया है 1 mm, और जो चैम्फर का डेप्थ कितना है वो हमें 1 mm। आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर ड्राइंग, यदि आपको ड्राइंग के अंदर डिटेल दी हुई है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो। ध्यान रहे ये हमारी चैम्फर की विड्थ रहती है और ये चैम्फर का डेप्थ रहता है। देन डेप्थ ऑफ कट पे क्लिक करते हैं। यदि हमें डेप्थ ऑफ कट चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन के लिए नहीं लेना रहता है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं लीड इन एंड लीड आउट के बारे में। जब हम चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो लेंथ के जो लीड इन वैल्यू रहेगा वो 60% और रेडियस वैल्यू भी 60%। ध्यान रहे इसके अंदर जब हम बात करते हैं कभी भी लीड इन और लीड आउट के बारे में, तो इसमें ढेर सारे पैरामीटर्स रहते हैं। इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें सभी पैरामीटर का क्या मीनिंग्स रहता है। जो अभी हमें लीड इन के लिए जो एंट्री के लिए जो सब अमाउंट लिया है या पैरामीटर्स लिए हैं, वही सेम हमें एग्जिट के लिए भी पैरामीटर्स लेने हैं, तो इसके लिए एरो पर क्लिक कर देंगे तो जो एंट्री के लिए पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे एग्जिट के लिए भी पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब हमें ब्रेक थ्रू नहीं लेना है, मल्टी पासिस नहीं लेना है, टैब नहीं लेना है। अब हम आ जाते हैं लिंकिंग पैरामीटर में। लिंकिंग पैरामीटर में टॉप ऑफ द स्टॉक भी 0 रखना है और डेप्थ को भी 0 रखना है एंड ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया है, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे लिए टूल पाथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। देन हम आपको दिखा देते हैं एक बार 3D में किस तरीके से हमारा चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन चैम्फर को कट करता है। तो ये हमारे पास वर्कपीस है जिसमें हमने चैम्फर कट करना है। तो बहुत ही कम टाइम लग रहा है, लगभग 7 सेकेंड के लगभग। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि हमें चैम्फर रिक्वायरमेंट थी या जिस पर्पज़ के लिए हम चैम्फर यूज़ करते हैं, वैसा सिमिलरली यहाँ पे एज पर चैम्फर लग चुका है। बेहद ही खूबसूरत चैम्फर है।
देन हम इसके बाद अब प्रोग्राम जनरेट करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जनरेट करते हैं। प्रोग्राम जनरेट करने के लिए G1 पर क्लिक करना है एंड देन ओके। तो यहाँ पे हमें आ गया 05 चैम्फर मिली, सेव कर लेंगे हम इसे, या फिर जहाँ पे हमें सेव करना है वहाँ की लोकेशन हम लिख सकते हैं। मास्टरकैम कोड एक्सपर्ट की मदद से हमें हमारा कोड जनरेट होता है। यहाँ पर कोड जनरेट होते समय सभी पैरामीटर को रखना है। यहाँ पे एक तो इसको A0 को रिमूव कर देना है, यहाँ पे इस चीज़ को A0 को रिमूव कर देना, दो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। देन इस लाइन को हटा देना है। इसे भी रिमूव कर लेना है, इसे भी रिमूव कर लेना है, और ऊपर का जो भी है डिटेल्स वगैरह इसकी भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। देन सभी बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम जैसा हमारा रहता है सिमिलरली वैसा ही है। अब मैंने दो नंबर टूल यूज़ किया है तो H02 आया, यदि हम इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यदि हम जो एट प्रजेंट टाइम में स्पेंडल में टूल लगा हुआ है वही सिलेक्शन करना है तो इसे T02 भी रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ईजिली चैम्फर का प्रोग्राम बना लिया है। आई विश कि आपको चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन समझ में आ गया है किस तरीके से हम चैम्फर मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं।